भवराम चौधरी, त्रंबकेश्वर तालुका, नाशिक जिला। मेरा नाम राधा सुंकरवार है, मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सुपन आडोकार, मलकापुर से आया है, बुलढाणा जिला। ताईबाईदागा पवार, नाशिक जिल्हा, चांदोर तालुका। आतापर्यंत जे मोदी सरकार ने आश्वासन दिले ते आतापर्यंत कधी मान्य झाले नाही। अच्छे दिन आएगा वो अच्छे दिन नहीं आएगा। आप इतिहास में सुने होंगे कि सत्य राजा हरिश्चंद्र का नाम आ रहा था, अगर झूठ में अगर नाम आएगा तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। सिर्फ हम उनको देश चलाने के लिए दिए, देश बेचने के लिए नहीं दिए हम लोग। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की तादाद में किसान अब इकट्ठा हो चुके हैं, पूरे महाराष्ट्र से किसान आए हैं, लेकिन यहाँ जो मोर्चा चल रहा है वो कामगारों का भी है, संयुक्त किसान कामगार मोर्चा है, और इसके वजह से पूरे महाराष्ट्र से कामगार संगठनें भी अपने अपने एक्टिविस्ट को लेकर यहाँ आके पहुँची है। ये देखते हुए अभी कई अलग अलग राजकीय नेता यहाँ पर आए हैं, जैसे कि हनन मुल्ला जी है जो पूर्व सांसद है, शरद पवार है कांग्रेस के यहाँ के वरिष्ठ मंत्री है, शिवसेना के कई लोग आने वाले हैं, भाजप छोड़ के सब राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पर आ चुकी है। आंदोलन की तीव्रता देखते हुए मोदी सरकार ने एक अटेम्प्ट किया है ये किसानों का आंदोलन ख़त्म करने के लिए। वो बोल रहे हैं कि 1.5 साल के लिए ये कानून सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड रखेंगे। क्या महाराष्ट्र के किसान जो यहाँ पर मुंबई में इकट्ठा हुए, क्या वो मोदी सरकार पर भरोसा करते? आइए देखते। आज तक मोदी साहब ने जितने भी अपने आश्वासन दिए किसानों को, मजदूरों को, उसमें से एक भी आश्वासन मोदी साहब ने अभी तक पूरा नहीं किया, इसलिए उस पर हम भरोसा नहीं रख सकते। 15-15 लाख आदिवासी च्या बँकेत खातेवर जमा होतील, अजूनपर्यंत ते कुठलेही काही झाले नाही। शेतकऱ्यांचे पूर्ण कर्ज माफ करू, ते कर्ज माफ आतापर्यंत झालेले नाही। आणि आता जो मोदी सरकार सांगतात काही 3 कायदे जे शेतकऱ्यांच्या विरोधात केलेले आहे ते 1.5 वर्षापर्यंत स्थगिती देतो, परंतु ह्या मोदी सरकारवरती आमचा विश्वास शेतकऱ्यांचा नाही। आम्हाला तळबर नाही रे भाऊ, आम्ही दिल्लीला गेलो आता तिकडे असे आमचे गाय गरीबस मारून टाकले तर त्याला कदर नाही, तो काय आपल्याला न्याय देतो? जिन्होंने जो स्वामीनाथन कमीशन का हमको एक भरोसा दिया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वो सिर्फ आश्वासन देता है, वो झूठ बोलता है, उसके बात में एक भी दम नहीं है। हम से पलट ना और करत नहीं ना, आम्ही 25-30 वर्ष पूर्ण आम्ही खसतो, हम से कायदे पास करत नहीं, तो काहीच नहीं दिल देत नहीं, आमच्या नावावर पैसे टाकत होतात, पैसे नाही। आमचं रेशन बंद करायचं त्याचं धोरण आहे, आणि जमिनी पण हिरावायचं धोरण आहे त्याचं। आदिवासी लोकांवर, दलित लोकांवर त्यांच्यावर अन्याय होतो, त्या अन्यायावर त्यांना थोरपण्या म्हणजे कायदा तो त्याच्याबद्दल आमचा आला त्याच्यावर विश्वास नाही। अंगनवाड़ी के हम लोग भी कार्यकर्ते लोग जब मोर्चा किए हम लोगों ने, उन्होंने हमारे मानदान को बढ़ाया था, बढ़ाने के बाद बोला कि हम तुमको सिर्फ 1 महीने में बढ़ा के देंगे करके, उसके लिए उन्होंने 1 साल लगाया, फिर भी उसके बाद हम लोगों ने कड़ी संघर्ष किए, उसके बाद उन्होंने हमको बढ़ा के दिए, इसलिए उनके बात पर हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आणि गरीब बाचे म्हणजे हाल अपेष्टा म्हणजे कसं झालं, जे पूर्वी इंग्रजांचं सरकार होतं ह्या पद्धतीने ते सरकार करायला घेतलंय त्यांनी, त्याच्यामुळे आम्ही हा लढा देऊन राहिलो। लोक काय करीत निवडस तर म्हण कमळाला याला मत द्या, कशाला मत द्या, आम्हाला काही खड्ड्यात लोटायला ते ना, आता खड्ड्यात लोटायचे प्रयत्न केले। आज हमारे किसान लोग 40 दिन से भी ज्यादा ठंड में वहाँ पे मर रहे, 125 किसान हमारे मर गए वहाँ पर, उनका दर्द का एहसास है उसको। आज वो भांडवलदारों के इसमें नहीं क्या, इन्हें 3 कायदा लागू कर वो बेच रहा है। आज जो हम लोगों को 20 रुपये किलो में अनाज मिल रहा है वो 60 रुपये में जब मिलेगा तो हमारे किसान भाई लोग क्या लेके खाएंगे? हम लोगों का मरना ही है ना।